साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी राजा हेयर, सभी किसान साथियों को जय किसान। साथियों, सरसों के रेट के बारे में काफ़ी साथियों के फ़ोन आए थे, ग्वार के रेट के बारे में, नरमे के रेट के बारे में, क्योंकि अपने पेज पर और अपने चैनल पर लगभग अपने इनके जो भाव हैं उनकी अपडेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक स्टीक आइडिया आप लोगों को दे सकें। काफ़ी सारी साइटें देखने के बाद, काफ़ी सारे लोगों से बात करने के बाद, काफ़ी मित्रों की वीडियोज़ भी देखी जाती हैं इसके अंदर, तो मैं देर ना करते हुए क्योंकि कोशिश करूंगा कि वीडियो छोटी रहे और आप तक जो है स्टीक जानकारी पहुंच सके। आपसे निवेदन, एक तो YouTube वाला चैनल साथियों सब्सक्राइब कर देना और पेज पे आपका प्यार बना हुआ है, सत्कार बना हुआ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पेज लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे सरसों की। जैसा कि मैंने परसों की वीडियो में बोला था कि सरसों डाउन थी परसों, उसका भाव थोड़ा नीचे गया था, बहुत से साथी घबरा गए थे, बहुत से साथियों के फ़ोन भी आए मेरे पास कि सरसों बेच दें, सरसों का भाव नीचे जा रहा है। लेकिन मैंने उस दिन भी मेरी वीडियो के अंदर बोला था, जितना अध्ययन किया था, जितना जानकारी मिली थी, मैंने उस दिन भी बोला था कि सरसों का भाव धड़ाम से नीचे नहीं जाएगा। धड़ाम से मेरा मतलब है कि एकदम से नीचे नहीं जाएगा, सरसों का भाव के अंदर सुधार होगा। परसों वाली वीडियो भी पड़ी है, आप देख सकते हैं दोबारा अगर देखनी चाहो तो, और वही हुआ। आज सरसों के बाज़ार के अंदर काफ़ी सुधार हुआ, काफ़ी सुधार हुआ मैं कहूँगा। हालांकि मैंने परसों एक बात मेंशन की थी, एक बात याद कराई थी सभी मित्रों को कि 100-200 रुपए सरसों का, क्योंकि आज ट्रेंड है, आज माहौल है एक सरसों का, इसके अंदर 100-200 रुपए ऊपर नीचे होने को कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन ये कतई नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा कि ग्वार की तरह एकदम से सरसों 12,000 से अगले दिन 6,000 रुपये आ जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज अच्छा माहौल रहा सरसों का, धीरे धीरे सरसों जो है अपने उसी लेवल पर जा रही है जो लेवल हमें 4-5 दिन पहले देखने को मिला था। तो सरसों के साथियों के लिए खुशखबरी है कि सरसों जो है वो रिकवर कर रही है, सरसों दोबारा अपनी जगह पे जा रही है और आने वाले समय के अंदर सरसों के भाव के अंदर सुधार हो सकता है, ऐसा सभी जो जानकार लोग हैं उनका मानना है। लेकिन सौदा अपने रिस्क पे, मैं हमेशा ही कहता हूँ साथियों, लेकिन सलाह ये है कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरसों के भाव के अंदर आने वाले दिनों के अंदर भी थोड़ा सा हिंदी में बोलूँ तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, फ्लक्चुएशन जिसको अपने बोलते हैं, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरसों अपना भाव रिकवर करेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो सरसों वाले साथियों के लिए खुशखबरी है कि सरसों धीरे धीरे 100-100 करके, 200-200 करके दोबारा अपने लेवल के ऊपर आ रही है। सरसों के बाद बात करें ग्वार की, तो ग्वार के अंदर भी थोड़ा सा सुधार हुआ है, थोड़ा सा मामूली सा हिला है ग्वार पहले से, क्योंकि बीच में ग्वार 6,400-6,500 हो गया था, फिर दो दिन पहले ग्वार वापस जो है 5,200-5,400 पे आ गया था, लेकिन आज फिर ग्वार ने थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी है और काफ़ी मंडियों में 5,700 से लेके 5,800 से लेके 6,300-6,400 तक, अहमदपुर मंडी की बात करें तो वहाँ, आदमपुर मंडी की बात करें 6,300 रुपये बिका है ग्वार, सिरसा के अंदर आज 5,800 रुपये बिका है, और अमूमन मंडियों के अंदर 5,800 से 6,200 के अंदर ग्वार बिका है, जिसके अंदर की 200-250 रुपये की वृद्धि हमें देखने को मिल रही है, आने वाले समय के अंदर भी मिल सकती है। उसका कारण आपको पता है कि ग्वार की फसल इस बार बहुत कम है, बरसात नहीं हुई, राजस्थान के काफ़ी एरिया के अंदर बरसात नहीं हुई इस बार, उसकी वजह से ग्वार की फसल जो है वो डाउन है। जैसे जैसे नई फसल का रुझान आना चालू होएगा तो हो सकता है कि हमें इसके अंदर थोड़ा सा सुधार देखने को और मिल जाए। नरमे की बात करें तो नरमे के साथियों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि नरमा थोड़ा सा ऊपर गया है आज और कल के अंदर, थोड़ा थोड़ा नरमा भी हिला है, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा नरमा डाउन गया था तो काफ़ी साथी कह रहे थे। लेकिन एक बात साथियों तय है कि CCI की जो खरीद है, जो सरकार का MSP है, उससे नरमा ऊपर ही बिकना चाहिए इस बार, ऐसी मुझे उम्मीद है। और जितने लोगों से बात की है सबका ये मानना है कि नरमा जो है इस बार MSP से ऊपर बिकेगा और आने वाले समय के अंदर नरमे के अंदर तेजी आ सकती है, क्योंकि पहले बिजान नहीं हुई, फिर पानी नहीं आया और उसके बाद बरसात समय पर नहीं हुई। अब जो बरसात 2-3 स्टेटों में हुई है जिसके अंदर कॉटन ज़्यादा होता है, जिसको अपन लोग कॉटन बेल्ट बोलते हैं, उन कॉटन बेल्ट्स के अंदर जो नरमे के ज़्यादा नरमे होने वाले एरिया हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा इक्वलिटी से बरसात हुई है, मतलब कि 2-3 दिन लगातार बरसात हुई है, उससे नरमे की फसल को नुकसान हुआ है। तो इस वजह से भी नरमे का थोड़ा सा रुझान जो है वो ऊपर अच्छा जाने की उम्मीद
आगे है। नरमे का मेनमेन हनुमानगढ़ में लगभग आज 6600 से लेके 6700 रुपए तक नरमा बिका है। सिरसा के अंदर 6900 रुपए तक नरमा बिका है। पंजाब की मौड़ मंडी के अंदर लगभग 6800 रुपए नरमा बिका है और मलोट के अंदर 7100 रुपए 7050 से लेके 7100 रुपए तक नरमा आज बिका है। सरसों की बात करें तो भरतपुर के अंदर 8000 से लेकर 8300 रुपए तक सरसों आज बिकी है। जयपुर के अंदर 8600 से 8800 तक सरसों बिकी है आज। आदमपुर के अंदर वही 7700 से लेकर 7800 तक सरसों बिकी है और हिसार के अंदर 7800 से लेकर 8000 रुपए तक सरसों बिकी है। जैसे ही आगे की जानकारी आएगी आपको जरूर बताई जाएगी। लेकिन सरसों के साथियों के लिए दोबारा बोल दूँ, ग्वार वाले साथियों के लिए दोबारा बोल दूँ, घबराने की कतई जरूरत नहीं है। सरसों के अंदर आने वाले दिनों में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि सरसों का भाव जो है वो धड़म से नीचे गिर जाएगा। आप सबने समय दिया, धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।